लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट आपका बुलिश साइड पे है। अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो फुल क्वांटिटी में जाना, सेलिंग साइड जाना है पुट साइड एंट्री नहीं तो कम क्वांटिटी में, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर बात करता हूँ मार्केट में हुआ क्या, एक टिपिकल डे था आपका, मार्केट गैप अप खुला, गैप खुलने पे प्रॉफिट हुआ नहीं, साइडवेज टू बेयरिश हुआ, सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड हुआ। अगर आप पुराने व्यूअर हो 2-3 महीने पहले, जब भी मार्केट में तेजी होती है तो क्या होता है, मार्केट पूरे दिन तेज चलती है, गैप अप खुलता है, प्रॉफिट बुक करती है, मार्केट साइड हो जाता है, सेकंड हाफ में आपका ट्रेंड डिसाइड होता है इस तरीके से। ठीक है, आज भी कुछ इस तरीके से हुआ, मार्केट नीचे आया। निफ्टी का भी आरबी वैल्यू में था वो ज्यादा नेगेटिव था, मैं आपको दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी का मार्केट साइडवेज था, अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये 380 लेवल आपका काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको नोट करके रहना चाहिए बिकॉज याद रहता है बाद में, कभी भी 380 में मार्केट आई लेट से गैप खुला, ठीक है, गैप खुलने के बाद कहां पे लेवल आ सकता है तो 380 के आसपास करें। अभी ऊपर गया उसके बाद इसने ये चैनल बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने बाय भी किया था, मार्केट आपका ऊपर चला गया। ठीक है, ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ निफ्टी का। ठीक, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा, ऑप्शन बायर बहुत लूज करता है यहाँ पे पैसा। क्यों लूज करता है, बिकॉज पुट्स के रेट बढ़ने के होते हैं, कॉल के रेट बढ़ने के होते हैं, और मार्केट साइडवेज में आपको लगेगा कि मार्केट में तेजी या मंदी का किसी की भी सेक्टर ट्रेड होगा तो फंस जाओगे। दूसरी चीज क्या होता है, ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, रिटेस्ट दिया, देन मार्केट आपको ऊपर भी, ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है। ठीक, यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल आया। तीन केसेस होंगे, क्या तीन केसेस होंगे, मार्केट खुलेगा गैप अप, मार्केट खुलेगा गैप डाउन, मार्केट खुलेगा साइड। अगर गैप खुलेगा अगेन इसी तरीके का मार्केट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है, ऊपर खुलेगा मार्केट थोड़ा साइड वेस्ट टू बेरिश हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट आपको सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर गैप खुलता है, अगर मार्केट खुलता है साइड वेस्ट, तो अगर आप लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करेंगे वो डिप कौन सा लें, यहाँ पे या तो इस लेवल के आसपास कोई एक्शन मिल जाए या फिर आपको इस लेवल के आसपास मिल जाए। पहला लेवल क्या है आपका 360 के आसपास का, 17360 अगर साइड वेस्ट खुलता है तो यहाँ पे मुझे एक्शन पॉजिटिव मिल जाए, सेफ ट्रेडर हूं, यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तब मैं बाइंग की साइड जाऊंगा अगर साइड वेस्ट होता है। इसके नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक मैं अपने को अभी इंटरडे में शॉर्ट साइड पे नहीं हूँ। स्कैल्पिंग मशीन से पुट बाय करते हैं, जैसे कि हाफ आपने देखा होगा टेलीग्राम पे, मैंने शॉर्ट सुबह मॉर्निंग में शॉर्ट का ट्रेड दिया था निफ्टी में, लेकिन हाफ क्वांटिटी में देखा, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस करता हुआ रहा हूँ कि शॉर्ट जाओ हाफ क्वांटिटी में, ठीक है, बाय जाओ तो फुल मिलेगा सर। हमेशा याद रखना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा ना ये शीट में आपको मेंशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका देखना चाहो, जैसे यहाँ पे निफ्टी का, तो मैं बाय निफ्टी में क्यों जाऊँ जब तक कि मुझे पॉजिटिव निफ्टी ने बॉटम था बनाया आपका, इस जगह पे आपका बोल्ड होता है, यहाँ पे इस जगह पे आपको 11:55 के आसपास आपका 50 मिनट के आसपास आपको बॉटम का सिग्नल था, तो उससे पहले बाइंग की साइड निफ्टी को सोचू ना, जब तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है, सेम चीज इसमें जब तक साइड में ट्रेड छोड़ना, जब भी मार्केट साइड होता है ऑप्शन बायर पैसा लूज करता है, तो क्या करना है, वेट करना है, ट्रेड पर नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, कल फिर ट्रेड मिलेगा, मार्केट ना भाग जा रही है। अभी चलते वापस से अपने चार्ट पर, देखते हैं कि आगे क्या करें। अब होगा एक गैप डाउन केस, गैप डाउन केस काफी इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है, क्योंकि वो एक खराब न्यूज भी हुआ। अच्छा, गैप डाउन एक होता है यहाँ पे गैप डाउन, और एक होता है बड़ा गैप डाउन। बड़ा गैप डाउन केस में फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, बिकॉज फिर आपकी सेलिंग आ सकती है, फिर नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है अगर बड़ा गैप डाउन होता है, तो नॉर्मल गैप डाउन होता है मार्केट वापस से ऊपर आ जाएगा। ये आपका निफ्टी का मैसेज देख ली। अब चलते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी पे, और फिर उसके बाद फिर निफ्टी पे। अच्छा, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, मुझे आईडिया नहीं था, मॉर्निंग मुझे नहीं पता था, मैंने देखा प्रीमियम इतने सस्ते कैसे हैं, तो बस लगा कल छुट्टी है तो फिर निफ्टी एक्सपायरी थी। ठीक है, और अभी बैंक निफ्टी निफ्टी की है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी मॉर्निंग से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको शीट पे भी और फ्री वाले टेलीग्राम पर भी मेंशन किया था, जो लेवल 550 था, ठीक है, नीचे का वहां पे मार्केट में तकरीबन 535 के आसपास से लेके चल गई। ये चीज एरिया मैंने आपको फ्री वाले टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड देन आपका ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हर्डल खा रहा है ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी में। ठीक है, मार्केट में आपका अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने को देखने तो कौन से आएंगे, पहले देखेंगे पुट साइड का ट्रेड, हम इसके नीचे लेंगे, याद रखना हाफ क्वांटिटी में पुट साइड, अभी हाफ क्वांटिटी में लेना है, और अगर कंफर्टेबल नहीं तो फिर मत लेना, वो आ रहा है 40,550 के नीचे। ठीक है, उसके लिए आप तो यहाँ के नीचे लेना है नीचे। ठीक, 550 के नीचे से पहले हम लोग शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट देंगे भी वन डे के चार्ट पे। अभी देखते हैं केस तीन होंगे, क्या होंगे, या तो गैप अप खुलेगा, साइड वेस्ट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन अगर इसके नीचे नहीं खुलता है
तो फिर मेरी बायोमिक्स की स्ट्रेटेजी इंटैक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक ही नॉर्मल सा गैप होगा, अगर बड़ा गैप रूम खुलता है तो फिर वेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों गैप रूम रेस होगा, साइड में खुलेगा, ऊपर के लिए बाय करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज क्योंकि फिर मार्केट आपका ये है कि नीचे आता है, हिकअप्स मारता है, जैसे आपका है वैसे करके। तो मुझे कौन सा लेवल सुटेबल होगा, मैं ये 40,600 के आसपास यहाँ पे मुझे को ये पॉजिटिव एक्शन दिखता है तो मैं बाइंग जाऊंगा। अगर ऊपर के लेवल बाइंग जाऊंगा तो हाफ क्वांटिटी में, ये हमारा साइड से केस हो गया, गैप का केस हो गया। फिर वेट करेंगे बिकॉज एक नेगेटिव एक्शन में आपको थोड़ा सा मार्केट फिर नीचे आएगी, साइड टू बेच रहे आपका सेकंड हाफ में ट्रेड फिर से। ये हो गया आपका केस, तीनों केस बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर आ जाएंगे फिर निफ्टी पे। निफ्टी के देखते हैं, ये तो हमने देख लिया चार्ट, चार्ट से हम लोगों ने एंट्री एग्जिट निकालते हैं बराबर है, डेटा पे हम लोग एक व्यू निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा था ना स्टार्टिंग में आरएल वैल्यू आपका था, वो आपका रिड्यूस हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, उससे हमने व्यू निकल गया था कि मार्केट में निफ्टी नेगेटिव है, दैट मींस निफ्टी में शॉर्ट नहीं, जब तक की बॉटम ना बने उसमें आरएल वैल्यू में तब तक हम लोग उसमें लॉन्ग को नहीं जाएंगे वैसे करके, ठीक है। अब इसमें अगर आपने देखते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉल राइट कितनी है, 22 लैक्स 18 लैक 21 लैक 8 लैक, ठीक है। ओके, यहाँ से पोट्रेटस भागे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पुट्स हैं 17,400। मतलब मोटा मोटा क्या किया है लोगों ने कि 17,350 की पुट्स को राइट किया है, 400 की पुट्स को राइट किया है, और कॉल्स को राइट उन्होंने स्टैगर्ड वे में किया है। स्टैगर्ड वे मतलब थोड़ा इस लेवल पे, थोड़ा इस लेवल पे, थोड़ा इस लेवल पे, क्वार्टर में आपको दिख रहा होगा। ओके, तो क्या अपना रेंज बन रही 65 और 66 तो आपका निकल के आएगा 130 के आसपास, मतलब 17,525 ऊपर की और नीचे की आ रही है आपकी 17,290 मान लो, ठीक है। वैसे ये आपकी रेंज आ रही है, लेकिन इतना रेंज में इंट्राडे में इंट्राडे की है बराबर, इंट्राडे में इतना आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। अभी हम लोग जो लेवल्स बात किए थे वो करे थे, मेन चीज कहने का मुद्दा क्या होता है, अगर आपने शॉर्ट किया है तो इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लो। ये मैं ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, जो मैं आपको कॉल्स भी देता हूँ या फिर जो भी चीज मैं करता हूँ ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देता हूँ बिकॉज उनका मेजोरिटी ऑडियंस होती है और लॉस भी ऑप्शन बायर ज्यादा करते हैं, करेक्ट। क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया मार्केट अगर साइड लेगा तो रिवर्सी ट्रेड लेने वाला है। यहाँ पे आपके अगर बाय करके बैठे लेट से आपको कोई आपने जो पॉजिटिव एक्शन है बाय कर लिया तो ये आपका एक सुइटेबल पॉइंट होगा बुकिंग करने का प्रॉफिट, ठीक है। ये आपकी रेंज आ गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी की फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी की भी अपना इससे रेंज निकलती है और आपको डेटा बताते हैं कि बेरिश है बुलिश है, 40,800 पे 10 लाख 6 लाख 7 लाख 3 लाख, इधर अगर देखोगे 12 लाख 12 लाख। मतलब क्या किया है हम लोगों ने, छुट्टी के पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। वो क्या करना चाह रहे हैं कि मार्केट में एक रेंज फंसा जा रहा है, देख रहे हो तो आपको उन्होंने यहाँ पे भी राइट की हुई है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग होती है, मैं आपको एक बार सिखा भी चुका हूं मतलब कैसे भी चलती है। तो 41,800 का मोटा मोटा आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है और ऊपर की रेंज आके निकल के आती है 41,100 से और नीचे की रेंज आके निकल के आती है 40,600 के आसपास की, 556 मतलब हमारा वो मैच कर रहा है उससे लेवल्स, ठीक। तो उस हिसाब से अपने लोग ऊपर के रेंज पर अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट्स मिल रहे हैं अपने को, ये एसएल अगर इनको तो एसएल के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक। फिर निफ्टी और देखते हैं, देन अपना फिर निफ्टी का चार्ट देखे इसको ओवर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर निफ्टी में ये आपकी फिर निफ्टी थोड़ा सा अच्छा मूव दे रहा है, फिर निफ्टी में अभी थोड़ा ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ रादर देन निफ्टी और बैंक के, मतलब ऑप्शन बैंक के। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज फिर निफ्टी में ना दोनों के क्वालिटीज है, किसकी क्वालिटी, बैंक निफ्टी की वॉलिटी है और निफ्टी का रिस्क मैनेजमेंट है, तो फिर निफ्टी में ट्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 18,200 तो पहला हर्डल आ रहा है आपका, यहाँ पे आपकी 33,000 कॉल्स है, पुट्स में आपकी साइड आ रही है 18,000, दैट मींस 18,000 कल भी हम लोगों ने देखा था जब तक 18,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती है, आई थिंक 17,780 लेवल था, अब वो लेवल स्ट्रेच होकर ऊपर आ गया है, जब तक 18,000 के नीचे नहीं आती पुट साइड में नहीं फंसेंगे। ऊपर के लेवल में पुट्स अगर बेचना है, मतलब ऊपर के लेवल में मार्केट में बेचना है, मैं एक चीज बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड ट्रेडर होता है जो आज की जिस मार्केट चल रहे हैं बुल मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बना लिया और बाय करके ही पैसा बना लिया, तो वो चीज अगर आप स्किल अभी उतने नहीं हो तो फिर छोड़ दो ऊपर के पैसा, वरना ऊपर के लेवल पे अपने को शॉर्ट करना होगा विद शॉर्ट कम क्वांटिटी में, ठीक है। 18,200 आपका यहाँ पे आपका 100 आपकी ये है, मतलब
18,100 आपका ये लेके 50 मान लो, इसको अगर हम चार्ट चलेंगे उसमें बढ़ जाएगा 18,050, ये आपका सपोर्ट एरिया आ जाएगा। ठीक, ऊपर में आपका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है 18,200 के आसपास, यानी लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके ऊपर ही आएगा, फिर आपको चार्ट में चलेंगे फिर एडी ले लेंगे जहां पर अपना वो बन रहा है। ठीक, चलते हैं चार्ट पे, ये आ गया अपना फिर निफ्टी का चार्ट। फिर निफ्टी ने तो आज बहुत दुखी किया, दुखी इतना सेंस कि 18,110 के लेवल निकालने में उसने दम निकाल दिया। अच्छा, डेटा नेगेटिव नहीं था, ये अच्छी चीज थी, तो हम लोग शॉर्ट नहीं जाते, वरना रेजिस्टेंस भी शॉर्ट करने को मिलता है। यहाँ पे आपका फिर निफ्टी का चार्ट शेयर करना डेली आपका आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट शेयर किया था फिर निफ्टी का, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस है, डेटा आपका अच्छा बता रहा है, बुलिश बता रहा था, आपने बैंक निफ्टी का देखा था, और आपको ब्रेकआउट पे बाय करना राधर ने सेल की अपॉर्चुनिटी ना छोड़ दी। अब यहाँ से अपने लोग लेवल्स निकालते हैं, कौन सा लेवल आ रहा है, जहां पे ब्रेकआउट आता है वो आपका सपोर्ट काम करता है, ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने कई बार देखा है, वो आ रहा है आपका 18,110। यहाँ पर मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाइंग सेल जाना होगा। आज का हाई काट के निकलेगा हाफ क्वांटिटी में वजह से, बिकॉज फंस सकते हैं। तीन केस में गैप खुला, अगेन वही जो स्ट्रेटेजी निफ्टी बाय निफ्टी की है, साइडवेज रिवर्सल देन सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड वैसा करके, अगर मार्केट गैप डाउन खुला इसके नीचे खुलता है तभी, मतलब आपका अगर कोई भी गैप डाउन 18,070 के नीचे खुलता है तभी मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को इग्नोर करूंगा, नहीं तो तब तक मेरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, नीचे का लेवल आपको मिलता है कि अगर यहाँ से इस लेवल पर आके फिर आपको ऊपर जाना शुरू करता है। एक चीज और, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, मार्केट यहाँ आया, मार्केट नीचे आया, वो वाली होता है ना, एक ये होती आम जिंदगी और ये होती मेंटो जिंदगी वैसा वाला, मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे आके अगर वापस से क्रॉस किया तो ये हो गई आम जिंदगी, करेक्ट। और अगर आपने यहाँ पे आके कोई एक पॉजिटिव एक्शन देखना शुरू हो गया इस ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे बाय कर लिया, तो हमें थोड़ा सा पहले बाय कर लिया, एसएलपी छोटा हो गया और टारगेट करके फिर ऊपर रखे निकलेंगे। ठीक है, तो वैसा करके आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।